धन्यवाद। जैसे कि आपने वीडियो को शुरू में देखा, उस तरह की वीडियो आप भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक तक लीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल सब्सक्राइब करके लाइक को प्रेस कर लीजिएगा। आज की वीडियो बात करने वाला हूँ कि आपने जैसे कि वीडियो में शुरू में देखा आपने उस तरह की इफेक्ट वाला वीडियो कैसे बनाएंगे, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और ले चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर जहाँ पर मैं दिखाऊँ कि आपको क्या करना है और किस फार्मूले से आप इस वीडियो को बना सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। हम आ चुके हैं अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन में, आपको भी यहाँ से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एक आइकन में लॉग यहाँ पर प्लस का इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 9.16 का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है क्योंकि उससे आपका फुल स्क्रीन में बनेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिला होगा यहाँ पर मीडिया का, मैं दिखा दूँ। मीडिया पर क्लिक करके आपको यहाँ से बैकग्राउंड पर क्लिक करके एक ब्लैक बैकग्राउंड चूज कर लेना और इसके ड्यूरेशन को बढ़ा लेना है। ड्यूरेक्शन को मैंने देखिए मैंने बढ़ा लिया। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिला होगा आपको यहाँ पर लेयर का, लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे। मीडिया पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है इस वीडियो का, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो टिकटॉक आईडी से मेरे भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो मैं अभी वो वीडियो यहाँ पर लेकर चला आता हूँ, देखिएगा जो वीडियो रही यहाँ पर, तो इसको बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद यहाँ पर आप अपने फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे तो लेयर में जाएंगे, फिर से फोटो मीडिया में जाएंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैं यहाँ से अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ से अपना एक थंबनेल वाला फ़ोटो ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस देखिए मैंने यहाँ से अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिला होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रोमा की का, तो क्रोमा की पर क्लिक कर देंगे और इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको मिला होगा एक ऑप्शन, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर की कलर का ऑप्शन है, तो की कलर पर क्लिक करेंगे और ग्रीन कलर चूज कर लेंगे। देखिएगा इस ग्रीन कलर चूज कर लेंगे। ग्रीन कलर चूज करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने फ़ोटो वाले लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक साइड में ऑप्शन मिला होगा 3 डॉट का, तो इस पर क्लिक करना है और इसे सेंड टू बैक पर क्लिक कर देना, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे। अब देखिएगा जब मैं यहाँ से अपने जब मेरा फोटो आ रहा है वहाँ पर जाता हूँ और इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। सो गाइस देखिए यहाँ पर अब मेरा पहला फोटो लग चुका है। अब दूसरी फोटो की बारी रही, तो देखिएगा यहाँ से हमारा दूसरा फोटो चालू हो रहा है। तो फिर से यहाँ से लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से अपना फ़ोटो चूज कर लेंगे। तो गाइस मैं यहाँ से अपना फिर से दोबारा से अपना फ़ोटो चूज कर लेता हूँ। सो गाइस देखिए मैंने यहाँ से दोबारा से अपना फ़ोटो चूज कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको फिर से वही करना है, अपने फ़ोटो वाले लेयर पर यहाँ पर आपको जाना है 3 डॉट पे और क्लिक करके ऊपर वाले ऑप्शन पर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देना है। अब देखिएगा जी, अब देखिए हमारा वीडियो तैयार हो चुका है। तो देखिएगा जी, तो गाइस देखिए यहाँ पर जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा पड़ा है, तो इसे यहाँ से कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ट्रिम टू राइट ऑफ कर देंगे। फिर यहाँ से नीचे वाले फ़ोटो को भी वहाँ से काट देंगे और यहाँ से अपने यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन मिला होगा शेयर का, तो इस पर क्लिक करके और यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे और वीडियो को अपने गैलरी में सेव कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।